हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो नॉलेज मैनेजमेंट का हमारा फोर्थ मॉडल है उसके बारे में। गाइज, इस मॉडल से पहले हमने तीन मॉडल डिस्कस कर लिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे वॉन क्रॉक एंड रूज मॉडल के बारे में। गाइज, ये मॉडल जो है ये 1995 में लिया गया था। ये मॉडल बहुत ही ईजी है, सिर्फ 2 या 4 मिनट्स का है मैक्सिमम, तो आपको वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1995 में ये मॉडल दिया गया था, और इस मॉडल ने ना जो मेन पॉइंट्स क्या बोले हैं, इस मॉडल ने बोला है कि जो इंडिविजुअल और सोशल नॉलेज है वो दोनों डिफरेंट होती हैं। जो एक इंडिविजुअल की अपनी नॉलेज है वो किससे डिफरेंट है, सोशल नॉलेज से। सोसाइटी के लेवल पे, वाइडर लेवल पे जो नॉलेज होती है वो इंडिविजुअल नॉलेज से डिफरेंट होती है, ठीक है गाइस। इसमें सब सिर्फ लर्न करने वाली चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें जो समझने वाली है मैं आपको वो समझा देती हूँ। नेक्स्ट है, इस मॉडल ने क्या क्या चीज़ों का एनालाइज किया है। इस मॉडल ने एनालाइज किया है कि वाई एंड हाउ द नॉलेज गेट, मतलब हम कहाँ से जो नॉलेज को, कैसे नॉलेज को गेन किया जाता है, वर्कर कैसे सीखते हैं, ठीक है। और इस मॉडल ने ये भी डिफाइन किया कि हाउ नॉलेज अराइव, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज नॉलेज मीन्स, और नॉलेज का मीनिंग क्या होता है, ये भी इस मॉडल ने डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा इस मॉडल ने एनालाइज क्या किया कि कौन कौन से बैरियर्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है जब नॉलेज मैनेजमेंट को वो अडॉप्ट कर रही है, तो कौन कौन से जो है बैरियर्स को उसे फेस करना पड़ता है, और उन बैरियर्स को वो कैसे रिमूव कर सकती है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर नॉलेज मैनेजमेंट को फॉलो कर रही है, ठीक है, तो उसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकती है, इसके बारे में इसने डिस्कस किया। और इस मॉडल में डिस्कस किया गया कि नॉलेज हमें कैसे गेन होती है, ठीक है, और नॉलेज जो है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराइव होती है, और जो वर्कर्स हैं वो नॉलेज को कैसे उसे गेन करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इस मॉडल ने एनालाइज किया है। इसके अलावा इस मॉडल ने इंडिविजुअल और सोशल नॉलेज को क्या बोला है, दोनों डिफरेंट है, और ये मॉडल कब दिया गया था, 1995 में। इसके बाद में ना इस मॉडल ने ये बोला है कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं ना, तो हमें 5 एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो कौन कौन से 5 एलिमेंट है, वेरी इजी। फर्स्ट है स्टाफ मेंबर्स। स्टाफ मेंबर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी वहाँ पे पर्सन है, जितने भी पर्सन है, ठीक है, उनका जो एटीट्यूड या उनका जो बिहेवियर है इस तरह का होना चाहिए कि ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो, ठीक है, उनका उनको क्या है कि कुछ वो उनको नॉलेज शेयर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि स्टाफ मेंबर के साथ उनका जो है लिंक होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टाफ मेंबर के साथ लिंक होगा तभी, अगर इस पर्सन के आइडियाज़ है तभी वो दूसरे पर्सन को शेयर कर पाएगा ना। तो स्टाफ मेंबर का क्या एटीट्यूड है, क्या उनके मतलब आइडियाज़ हैं, तो वो मैटर करते हैं कि अगर नॉलेज मैनेजमेंट को हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो एक स्टाफ मेंबर का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो नॉलेज हम गेन कर पाएंगे, अगर वो नहीं हो रहे तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड कनेक्शंस। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक अगर कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, तो वो डिस्कस ही नहीं कुछ कर रहे। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ मिलेगा ही नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम ये अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है, तो इससे क्या होगा कि वो आपस में डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे कुछ। अगर वो डिस्कस ही नहीं कर पा रहे तो वहाँ नॉलेज कहाँ से अराइव होगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन और कनेक्शन होना चाहिए, तभी हमारा जो है नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोसेस है जो वो अफेक्टिव बनता है। नेक्स्ट जो 2 एलिमेंट्स हो गए, थर्ड एलिमेंट जो क्या है कि नॉलेज मैनेजमेंट को अगर हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज जो है वो क्रिएट हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ना वो इफेक्टिव होना चाहिए। स्ट्रक्चर का आपको पता होगा कि एक तो होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है लाइक कि बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन है। अगर बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस हैं, ठीक है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ बात करने के लिए इतना मतलब रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं कि 3-4 लोगों के थ्रू जाना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि वो आपस में शेयर नहीं कर पाएंगे। बट वहीं पर अगर ऐसा सिस्टम है कि वो आपस में इतना ज़्यादा शेयर कर पा रहे हैं बिना किसी को मतलब नोट बिना किसी के नोटिस के, है ना, तो वो क्या है, सिस्टम बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ पे क्या है कि नॉलेज ज़्यादा गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मैटर करता है, अगर रिजिड स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा तो नॉलेज जो है वहाँ पे अराइव करना बहुत मुश्किल होगा, अगर रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है तो नॉलेज जो है ईजिली वहाँ पर फ्लो कर पाएगी। नेक्स्ट है नेटवर्क बिटवीन द मेम्बर। आपको पता होगा नेटवर्क लाइक कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हम इसे बोल सकते हैं, नेटवर्क लाइक कि कैसा नेटवर्क है, कि लाइक ऐसा नेटवर्क है
लाइक एक पर्सन दूसरा, एक पर्सन सिर्फ एक ही पर्सन से बात कर पा रहा है, दूसरे से कर पा रहा है, मतलब एक ही पर्सन से बात कर पा रहा है, या फिर ऐसा नेटवर्क है कि एक पर्सन इससे भी बात कर पा रहा है, इससे भी कर पा रहा है, इससे पर्सन से भी कर पा रहा है, चार पांच पर्सन से एक पर्सन मिल रहा है, तो आप खुद सोचो कि किस में ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएगा वो, इस सिस्टम में कर पाएगा, क्योंकि जितने लोगों से वो कनेक्टेड रहेगा सबके आइडियाज़ उसको देखने को मिलेंगे, तो ये सिस्टम ज़्यादा बेटर हुआ। तो क्या है कि नेटवर्क कैसा है वो भी मैटर करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रही है वो भी मैटर करता है कि हमारे नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो कितना इफेक्टिव होगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है तो हमारा सिस्टम अच्छा होगा, अदरवाइज नॉलेज मैनेजमेंट मतलब नॉलेज को मैनेज करना है जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया कि 1995 में मॉडल दिया गया था और इंडिविजुअल और सोशल नॉलेज दोनों डिफरेंट होते हैं, इस मॉडल ने ये बोला, और इस मॉडल ने इन चीज़ों को एनालाइज किया कि बैरियर कौन कौन से फेस करती है ऑर्गेनाइजेशन और कैसे नॉलेज को गेन किया जाता है। ठीक है, हम वर्कर तक नॉलेज कैसे पहुंचती है। ठीक है, और नॉलेज मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि स्टाफ कोऑपरेटिव होने चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि नॉलेज क्रिएट कर पाएं, और नेटवर्क सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली हमने मैनेज करना है। तो गाइज ये सारा था हमारा वॉन क्रॉगर रूस मॉडल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इससे आने वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट मॉडल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना।